अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज अपनी ईद की शॉपिंग, जो कि मैंने थोड़ी सी की है। तो ये है मेरा ड्रेस नंबर वन, ये मैंने लिया है बारूक से, बारूक ब्रांड से लिया है ये मैंने। और ये देखिए इसका, इस तरीके से इन्होंने पैच दिया हुआ है, नेक पैच। और ये इस तरीके से मैंने समोसा लेस लगवा के, और इसकी मैंने बेल बॉटम आस्तीन बनवाई है, गोल गला बनवाया है मैंने इसका, और इसके अंदर मैंने बटन लगवाए हैं इस तरीके से शीशे वाले। बस टेलर ने गड़बड़ कर दी, उनको मैंने बोला था पर्पल कलर की डोरी पैपिंग लगाना और उन्होंने लगा दी ग्रे कलर की। देखिए बहुत सिंपल सा ड्रेस सिलवाया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इतना एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था तो उसके ऊपर मैं क्या और काम करवाती। तो इस तरीके से मैंने इसको सिलवा लिया है। इसके साथ मैंने सिलवाया है खुले पैंचों का ट्राउज़र, इस तरीके से सीढ़ी लेस लगवा के, थोड़े से पैंचा छोड़ के और ऊपर से मैंने सीढ़ी लेस लगवा कर इस तरीके से खुले पैंचे का मैंने ट्राउज़र बनवाया है। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है, ये देखिए ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, पर्पल एंड ग्रीन कलर का। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ड्रेस, और इस ड्रेस के प्राइस हैं 3500 रुपीज़। ये है मेरा ड्रेस नंबर टू, जो कि है LSM का, और इसको मैंने LSM से जाकर लिया है उसकी आउटलेट से। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से लूप लगवा के सिलवाया है, बटन नहीं लगवाए, जस्ट मैंने इसके ऊपर लूप लगवाया है। चकोर मैंने गला बनवाया है आगे पीछे दोनों से, चकोर गला इस तरीके से। लास्टिक वाली मैंने आस्तीन बनवाई है, पाइपिंग मैंने लगवाई है इसके अंदर। फ्रंट पे मैंने लगवाई है ब्लू कलर की और बैक पे मैंने लगवाई है सी ग्रीन कलर की, मतलब डबल मैंने पाइपिंग लगवाई है इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। और चकोर मैंने बनवाया है इसका गला। बहुत ज़्यादा मैंने हैवी कपड़े नहीं बनवाए, ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाई। तो अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने बनवाया है सिगरेट पैंट। दुपट्टा इसका भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टे का कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। ये देखिए ये है इसका दुपट्टा, लॉन दुपट्टा है इसका, और इसके प्राइस हैं 3000 रुपीज़। लॉन दुपट्टा है विदाउट एम्ब्रॉयडरी। उसके अलावा मेरा एक ड्रेस ये है, ये बीच ट्री का ड्रेस है। इसको मैंने इस तरीके से सिलवाया है, पैंचों पे इस तरीके से मैंने लेस लगवाई है, और दो मैंने लगवाए हैं इसके ऊपर पिनटेक्स बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे, और साइड में मैंने इस तरीके से इसके लगाई है लेस बहुत प्यारी सी। और इसका जो है वो कमीज और दुपट्टा बहुत प्यारा है। और ये बीच ट्री का ड्रेस है, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, तो इसके प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये देखिए ये है इसका दुपट्टा, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है। इसके ऊपर मैंने जापानी पीको करवाई है, लॉन दुपट्टा है इसका। और ये है इसकी शर्ट, इसकी शर्ट के इन्होंने अलग से बंचेस दिए हुए थे, एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी इसकी, स्लिप्स की अलग दी हुई थी और चौकों की अलग दी हुई थी, लेकिन मैंने नहीं लगवाई एम्ब्रॉयडरी, मैंने इसको इस तरीके से लेस लगवा के और मैंने सिलवा लिया है, ठीक है। तो ये देखिए चौक दामन आस्तीन और गला सब जगह मैंने एक ही लेस लगवाई है ऑल ओवर, ये देखिए। और ये है इसका प्रिंट, बहुत खूबसूरत है ये ड्रेस भी, और सिल के ये बहुत अच्छा लग रहा है। सिलने से पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था, सिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरा एक और ड्रेस, जो कि है ईडन ड्रॉप का। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से बॉक्स प्लेट लगवा के ट्राउज़र सिलवाया है, मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया ताकि आप लोग को अगर दिख जाए, नहीं दिख रहा हो तो आराम से दिख जाए। बॉक्स प्लेट लगवा के मैंने चारों, और इसको मैंने ट्राउज़र को सिलवा लिया है। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, आप लोग बोलेंगे दुपट्टे की ही तारीफ करिए, लेकिन वाकई में सबके दुपट्टे बहुत प्यारे हैं। मैं ज़्यादातर ड्रेसेस दुपट्टे देख के ही लेती हूँ, तो ये भी मैंने ईडन ड्रॉप की आउटलेट से जाके लिया है। ये है इसका दुपट्टा ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत सा, और इसके साथ और भी कलर दिए हुए हैं, ठीक है। और ये है इसकी शर्ट, शर्ट का इसका ऑरेंज कलर है, डार्क ऑरेंज, लेकिन जो है इसमें पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में कलर सही नहीं आया, लेकिन वैसे ये बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर है। और ये पूरा एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, ये देखिए फ्रंट पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इस तरीके से मैंने इसके लेस लगवाई है आस्तीनों पे, और इसका बैक भी बहुत खूबसूरत है, और इस तरीके से मैंने इसके दामन पे भी लेस लगवाई है। चौकों पे मैंने इसके ब्लैक कलर की डोरी पैपिंग करवाई है, गोल इसका गला है, ये भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बैक, बस इसमें भी टेलर ने एक गड़बड़ कर दी कि इसके ऊपर बटन नहीं लगवाए,
ये देखिए ये है इसका बैग, इसके बैग के कपड़ा निकल के मैंने उनको बोला था कि बटन लगा देना, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि ईद पे टेलर गड़बड़ ना कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे टेलर ने कर दी गड़बड़। और मेरा लास्ट सूट जो है वो ये है, ये है मुस्लिम कलेक्शन में से सना सफीनास का, न्यू अराइवल में से मैंने ये लिया है। और ये देखिए दुपट्टा इसका कितना खूबसूरत है, लॉन दुपट्टा है इसका लेकिन बहुत प्यारा है। आप लोग बोलेंगे इस दुपट्टे की भी तारीफ़ किए। और इसके साथ मैंने बनवाई है शलवार, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अगर मैं सूट सिलवाऊँ तो उसके मैं एक या दो सूट की मैं शलवार लाजमी सिलवाती हूँ, मुझे जब तक मैं शलवार नहीं बनाऊँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये देखिए इस तरीके से बस मैंने इसके पैंटों पर पट्टी लगवा के, और ये मैंने सादी सी शलवार सिलवाई है, मतलब कोई सिंपल सी। ये देखिए ये शलवार इसकी घेर वाली मैंने सिलवाई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शर्ट, इसकी शर्ट भी बहुत प्यारी है, ऑल ओवर सूट ये बहुत प्यारा है। ये देखिए ये है इसकी शर्ट का जो है वो दामन, और दामन पर मैंने इस तरीके से लेस लगवाई है। ये इसकी पीच कलर की शर्ट है, पीच पिंक कलर की, और ये इसके ऊपर नेक एम्ब्रॉयडर्ड है इसका, एम्ब्रॉयडरी मैंने पैच दिया हुआ था, मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, आस्तीनों पे लेस लगवाई है। और ये देखिए इसको मैंने सिंपल से सिलवाया, इस पर मैंने कोई डोरी पाइपिंग नहीं करवाई। और ये है इसका बैग, और ये देखिए बस इसको मैंने सादा से सिलवाया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को। और ये लिया है मैंने एक खुस्सा, खुस्सा मैंने एक ही लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे जूते रखे हुए हैं नए जो कि मैंने नहीं पहने। तो इस तरीके से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फ्रंट पे भी ये पूरी और पीछे भी। तो आप लोग को मेरा सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा आप लोग मुझे वो बताइएगा, मेरी वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। मुझे फीडबैक ज़रूर देना, मेरा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा। ये है मेरे हस्बैंड का कुर्ता शलवार, मेहरून कलर का कुर्ता है उनका, और वाइट कलर की शलवार मैंने उसके साथ बनवाई है। तो इंशाल्लाह होगी आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।